नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक वोल्टेज रेगुलेटर विथ इंडिकेटर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक IRF Z44N MOSFET और एक हीट सिंकर। उसके बाद इस MOSFET को हम इस हीट सिंकर के साथ ऐसे लगा देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 10K पोटेंशियोमीटर। उसके बाद इस पोटेंशियोमीटर के इस पॉइंट को हम इस MOSFET के ड्रेन पॉइंट के साथ और इस पोटेंशियोमीटर के इस पॉइंट को हम इस MOSFET के गेट पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा 4 पीस LED बल्ब। उसके बाद ये 4 LED बल्ब हम सीरीज लाइन में एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इसका पॉजिटिव पॉइंट हम इस MOSFET के सोर्स पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा 4 पीस 1K रजिस्टर। उसके बाद एक 1K रजिस्टर हम इस पॉइंट के साथ, दूसरा 1K रजिस्टर हम इस पॉइंट के साथ, तीसरा 1K रजिस्टर हम इस पॉइंट के साथ और चौथा 1K रजिस्टर हम इस ग्रीन एलईडी के नेगेटिव पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद ये 4 रजिस्टर का बाकी 4 पॉइंट्स हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इसी पॉइंट को हम इस पोटेंशियोमीटर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक वोल्टेज रेगुलेटर विथ इंडिकेटर सर्किट अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।